सूबे में पहले स्थान पर छपरा अवर निबंधन कार्यालय राजस्व संग्रहण में जिला अवर निबंधन कार्यालय सारण छपरा ने अहम उपलब्धि हासिल की है। मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग के स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार सारण ने 24 फरवरी तक राज्य स्तर पर निर्धारित लक्ष्य का 85.6% हासिल कर लिया है। सारण पहले स्थान पर पहुंच चुका है। 85,65,00,000 रुपए राजस्व संग्रहण के बाद अब 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष के अंत में भी बिहार में पहला स्थान पाने की ओर अग्रसर है। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि जिला अवर निबंधन विभाग के पदाधिकारी व कर्मियों ने आपस में समन्वय बनाकर राज्य स्तर पर निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए विशेष कार्य किया। इसका परिणाम भी सकारात्मक रहा। जिला अवर निबंधक का कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य 5 निबंधन कार्यालय भी जल्द ही अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। जिला मुख्यालय के अलावा मढौरा, मशरक, सोनपुर, पड़सा व एकमा में भी निबंधन का कार्य होता है। सारण को राज्य मुख्यालय से 100 करोड़ का लक्ष्य तय मार्च तक विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी भरसक प्रयास किया गया। जिला पदाधिकारी और विभाग के निर्देशानुसार अभी प्रत्येक रविवार को कार्यालय खुला रहा है। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सारण अवर निबंधन कार्यालय को 100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्य को हासिल करने के लिए निबंधन कार्यालय में DM से मिले गाइडलाइंस को ले बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया। क्रेता विक्रेताओं को नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जिला नंबर 1 आया है तो क्या प्रयोग किया गया था इस जिले के लिए? नहीं, हम लोग रजिस्ट्री को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं, जो हमारे जिला में और अन्य सभी रजिस्ट्री निबंधन के कार्यालयों में इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। सभी को सेंसिटाइज किया गया है। हम लोग लगातार इसके जिला स्तर पर बैठक करके समीक्षा भी करते हैं और जो रजिस्ट्री के लिए व्यक्ति आते हैं दूर दूर से, उनको सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बदलाव किए गए हैं। हमने सभी कार्यालयों में कोशिश करी है कि जो रजिस्ट्री कराने के लिए जो भी आगंतुक आते हैं उनको सहूलियत रहे। इसके लिए मेरी हेल्प काउंटर्स लगे हुए हैं, उनको असिस्ट करने के लिए हमारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं और एक सीमलेस तरीके से प्रोसेस को अनुपालन करते हुए यथाशीघ्र रजिस्ट्री करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। इसी का परिणाम है कि हमारे जिले में बहुत ही सुगमतापूर्वक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सभी कार्यालय में हो रहा है और इसका नतीजा आपको देखने को मिला है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।